की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंजेगा इंकलाब के नारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंजेगा इंकलाब के नारों से। गोबर पार्टी है सबसे पहले तो आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। ये और आपसे भी ज्यादा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो छात्राएं हैं, मैं उनको अपनी तरफ से शाबाशी भेंट करना चाहता हूं, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और मुझे माफ करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू विश्वविद्यालय के लोग अलग है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक एक ईंट उन लोगों के पैसे से बनी है, दान के पैसे से बनी है, जो इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सरकार के पैसे से नहीं बना, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में शाह और तानाशाह का शासन है, जिन्होंने कभी विश्वविद्यालय नहीं देखा वो इस देश के विश्वविद्यालय के बारे में। और मेरा गुस्सा, मेरी तकलीफ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ प्रधानमंत्री है बल्कि नरेंद्र मोदी काशी से सांसद है। दो दिन तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बच्चियां सड़क पर बैठी रही। नरेंद्र मोदी सांसद काशी, प्रधानमंत्री भारत 3 किलोमीटर की दूरी पर रुके रहे, उनका रास्ता वहां से बदला गया, लेकिन उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि खुद जाए या किसी दूत को भेज दे कि हमारी बच्चियां क्यों तक। हर महीने बात आपको करनी है, लेकिन उन बच्चियों की बात भी तो आप सुन लेते कर। और क्या मांग रही थी बच्चियां? बच्चियां मांग रही थी कि जो अंधेरा रास्ता है इसमें कुछ लाइट लग जाए, हमारी थोड़ी सुरक्षा हो जाए। हम लोगों के समय जब लड़ाई लड़ते थे तो ये मांग नहीं थी। और वाइस चांसलर को हम क्या कर। मित्रों, आप जो यहाँ जो लोग बैठे हैं ये समझ जाओ, ये जो हाफ पेंटी लोग हैं, ये लोग इस देश की जितनी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं हैं इन सारे शिक्षण संस्थाओं को अपमानित करना चाहते। ये संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं। ये वैलेंटाइन डे का विरोध करने वाले लोग लड़के और लड़कियों के स्वाभाविक रिश्ते को समझ ही नहीं सकते, इनका दिमाग नहीं। और ये वजह है कि वहां का छात्र संघ तोड़ा गया, और छात्र संघ अगर होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। यहाँ भी आनंद प्रधान जी बोल रहे थे, इसके पहले भी एक अमरचंद जोशी बहुत पहले हुए थे, उनके समय भी आरएसएस का इसी तरह तांडव हुआ था, और उसी समय भी इस तरह की रेप की घटना हुई। नहीं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी इस तरह की घटनाएं वहां पर नहीं सुनी।